बिग बॉस 16 के ये दो कंटेस्टेंट के हाल ही में रिलीज हुआ एक प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग जो वाकई बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, इसके एक अनसीन फोटो सामने आई है जिसे देखने के बाद फैंस तो पागल हो ही रहे हैं। एंड इनफैक्ट फैंस अंदाज़ा भी लगा रहे हैं, अलग अलग टाइप के पोस्टर्स भी बना रहे हैं कि ये सॉन्ग में ये पोस्टर होना ज़रूरी था। हालांकि सॉन्ग में पोस्टर कौन सा लगाना है, कैसे करके रिलीज़ करना था, ये डिसीजन वो दो कंटेस्टेंट ने ही लिया था। लेकिन जब अभी बिहाइंड द सीन का जो पोस्टर और फोटो रिलीज़ हो रहा है, इनफैक्ट सामने आ रहा है, उसके बाद से फैंस लोगों की उम्मीदें और बढ़ चुकी है इन दोनों के रिलेशनशिप को लेके। कौन है आखिर वो कंटेस्टेंट, इसके बारे में अंदाज़ा तो आप लगा ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी डिटेल में आपको मैं बताती हूँ। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। जी हाँ, बिग बॉस 16 के मैं वो दो कंटेस्टेंट की बात कर रही हूँ जो हाल ही में लव कपल बन के टाउन में घूम रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी की, जिनके हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जिसका नाम है कुछ इतने हसीन, जिसके रिलीज होते ही एक दिन के अंदर इसके यूट्यूब पे 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं और लोग इस सॉन्ग को इतने पसंद कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इसके रील्स और सोशल मीडिया पे लोग अपने फोटो भी शेयर करते वक्त यही सॉन्ग लगा रहे हैं। लोगों के अंदर ये सॉन्ग को लेके जो पागलपन दिख रहा है, जो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है इस सॉन्ग को लेके और इन दोनों को लेके, वो यकीनन माने तो ये सॉन्ग से रिलेटेड नहीं, इनकी केमिस्ट्री को लेके ही दिख रहा है। आपको प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता के बारे में और डिटेल में बता देते हैं कि ये दोनों बिग बॉस 16 में एक दूसरे से नहीं मिले, बल्कि इससे पहले कलर्स का एक टीवी शो था जिसका नाम था उडारिया। ये दोनों लीड रोल में अपना किरदार निभा चुके हैं। दोनों की फ्रेंडशिप देखने से बनती है, दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं जिसके फैंस इन्हें लव का टैग भी दे चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इस चीज़ पर अड़े हैं कि वी आर नॉट मोर देन बेस्ट फ्रेंड्स, बट बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर तो कुछ है, ये चीज़ इनके केमिस्ट्री से दिखता ही है। अब एक सामने एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, एक फ़ोटो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है जहाँ पे कुछ इतने हसीन के दौरान जो वाइट कलर के गाउन में जब प्रियंका दिखी थी और ब्लैक कलर के शूट में जो अंकित गुप्ता दिखे थे, पोस्टर रिलीज़ करने से पहले, ये सॉन्ग के लिए जो पोस्टर रिलीज़ करने से पहले उनका जो फोटोशूट हुआ उनमें उन्होंने तरह तरह के फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, लेकिन उसमें से एक फ़ोटो उन्होंने पोस्ट किया था जो कि एक अतरंगी और आप कह सकते फरी वे से फ़ोटो पोस्ट किया था। बट इसके अलावा जो बिहाइंड द सीन में फोटो हमारे सामने आ रहे हैं और जो ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें बहुत ही क्लोज और रोमांटिक वे से दोनों ने एक दूसरे के करीब आके फ़ोटो खिंचवाई हैं। और ये फ़ोटो सामने आने के बाद फिर क्या, फैंस लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, यार ये फ़ोटो को लाना चाहिए था, यार ये फ़ोटो पोस्टर में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, पोस्टर में वो फ़ोटो ना सही, लेकिन फैंस लोगों ने अपने एडिटिंग के ज़रिए से कुछ इतने हसीन में वो पोस्टर डाल ही दिए हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है इनका जोड़ी कि वो जोड़ी देखने से ही बनती है, आप भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने कुछ इतने हसीन सॉन्ग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर बताइए। और आप अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी, प्रियंकित की जोड़ी के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है इन दोनों कपल्स के बारे में, डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूज।